दोस्तों अभी हम लोग हैं पटना के ग्रेजुएट चाय वाली जो मेन आउटलेट है उसी के मेन आउटलेट में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये नया वाला काफ़ी कमाल का है। जब उद्घाटन हुआ था तो हम लोग आए थे, लेकिन उस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी थे इसलिए बाइट नहीं ले पाए। और अभी हम लोग नए वाले आउटलेट में हैं, यहाँ आइए जानते हैं यहाँ क्या कुछ खास है। पहले तो ये पूछेंगे कि इतना दिन से गायब आप कहाँ थे? यही पटना में ही थे, दुकान ढूंढ रहे थे। हाँ, काफ़ी टाइम लग गया। हाँ, 3-4 महीना लग गया दुकान ढूंढने। बोरिंग रोड में ही चाहिए था और यहाँ मिल नहीं रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि अब जो जोश जो जुनून था वो खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, आए हैं तो अच्छे से ही आए हैं वापस और पूरा तैयारी के साथ। हाँ। मतलब अगर कोई एक कदम पीछे ले रहा है तो वो पूरा तैयारी के साथ आ रहा है ना। कैसा चल रहा है यहाँ? अच्छा चल रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है सबका। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा आपको? 3-4 महीने। हाँ। 3-4 महीने में इतना जल्दी आप मेन आउटलेट खोली? नहीं, 1 साल हो गया बिजनेस। 1 साल हो गया। I think, हाँ, 1 साल हो गया। मुझे लगा पूछ रहे कि दुकान बंद होने से ये दुकान खोलने में कितना लगा। हाँ, तो अब ये ओपनिंग कब किए हैं? 26 फरवरी। 26 फरवरी। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आप कहाँ पर स्टॉल खोले हुए थे? फर्स्ट टाइम वुमेन्स कॉलेज। वो समय याद है? हाँ, कहीं नहीं याद रहे। क्या लगता था कि आप यहाँ तक आ पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था मैं आएंगे। ऐसा कुछ प्लानिंग था पहले? नहीं था ऐसा कुछ। क्या सोच के प्लानिंग किया कि पैसा कमाना है बस? पैसा कमाना है, लेकिन इतना ये दुकान हो जाएगा जल्दी, इतना जल्दी ये नहीं सोचे थे। अब तो ब्रांड बन। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जगह जो है इनका फ्रेंचाइजी भी है। वैसे कहाँ कहाँ अभी तक फ्रेंचाइजी आपका लग गया हमारा? कहाँ कहाँ? गोपालगंज, बेतिया, इंदौर, मोतिहारी। आगे क्या क्या प्लानिंग? यही है, बिजनेस को एक्सटेंड करना है। क्या? हाँ। बिहार में ही या फिर बिहार से बाहर? जहाँ पैन इंडिया पे हम फ्रेंचाइजी देते हैं। क्या स्टार्ट है? हाँ, आपसे कोई फ्रेंच? हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ। सबसे खास यहाँ आप देख सकते हैं इनका ये मेन्यू लगा हुआ है। और यहाँ जो है आपको अब चाय ही नहीं, बहुत सारा चीज़ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, मोमो, रोल या फिर बर्गर, जो भी बोल लें। और सबसे खास इसमें है डिम सिम। ये डिम सिम क्या है? वैसे हम भी लगता है कि पहले बार नाम सुने हैं डिम सिम का, तो इसके बारे में? मोमोज है। मोमोज है, मोमोज को तो मोमोज बोलते हैं, डिम सिम का तो लोग कुछ नाम रख दिए कि हाँ अच्छा लगे नाम सुनने में। कहाँ से आइडिया आया? हमारे पास शेफ है हमारे, उनसे ही आइडिया है सारा। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब ये आप अकेले चला रहे हैं कि और? नहीं, मेरा और उन शेफ का, दोनों का पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप है। या आप अपने से चाय वगैरह बनाते हैं या फिर स्टाफ? अभी तो दीदी बनाती है चाय, वो बहुत अच्छा चाय बनाती है, तो वही बनाती है। आप यहाँ स्टॉल पे रहते हैं? हाँ, हम आते हैं दुकान जब खुलता है, तो फिर 3-4 घंटे बाद आते हैं। 3-4 घंटे बाद? हाँ। मतलब डेली आप यहाँ आ जाते हैं? हाँ, अभी तो डेली, अगर कहीं नहीं जाना हुआ बाहर तो डेली आते, कहीं जाना हुआ तो फिर नहीं आ पाएंगे। क्या बैठे रहते हैं या फिर कोई काम भी करते हैं? काम है, क्यों नहीं काम रहेगा। अभी तो फिलहाल नया दुकान है, तो हमको प्रेजेंट रहना यहाँ ज़रूरी है ना। अच्छा, कितना लागत लगा यहाँ तक? 6-7 लाख रुपये लग गया। 6-7 लाख? हाँ, इसी में। कहाँ से इतना कर पाए? फ्रेंचाइजी सेल किए थे ना चार, तो उसी का पैसा था। अच्छा, फ्रेंचाइजी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे खोलने के बाद अभी तक कोई फिर फ्रेंचाइजी के लिए आए हैं? हाँ, आए 2-3 लोग आए, बात किए। कहाँ नया खुलेगा अभी पता बता नहीं सकते अभी। हाँ। क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है ना। हाँ। जगह उन लोग ढूंढ रहे हैं शॉप। हाँ, एक सवाल और आपसे कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी को फ्रेंचाइजी दिए थे, शायद बेली रोड में आप दिए थे, तो वहाँ पे आपका कागज वर्क नहीं हुआ था, जिसके कारण आपको बहुत सारा परेशानी हुआ था, तभी भी मैंने आपको मैसेज किया था। तो अब वैसा सीन नहीं है, आप कागज वर्क के साथ काम कर रहे हैं? नहीं है, अब है कि बिजनेस करना है तो एकदम प्रॉपर वे से करो, कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई आया बोल दिया कि हमको दे दीजिए, ऐसा नहीं। पेपर वर्क कंप्लीट होगा, पेमेंट होगा, तब फ्रेंचाइजी देना चाहिए। अच्छा, वहाँ वुमेन्स कॉलेज के बाद यहाँ तक आने में कितना समय? 1 साल लगा। 1 साल लगा। एक साल लगा यहाँ तक, कोई कैसे पहुँच सकता है उसके लिए कोई आइडिया दीजिए, बिजनेस आइडिया? सबसे पहले ये कि अपने प्रति ईमानदार रहो और दिमाग में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। ये नहीं, फास्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, जैसे हम आज खोले और कल, आज ठेला लगाए कल दुकान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। यहाँ हम लोग 26 को खोले थे, तो 3-4 दिन हम लोग के मार्केट पूरा डाउन था। हम लोग सोच, फिर पेशेंस हम लोग लूज़ नहीं किया ना, फिर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं।
दोस्तों एक समय ऐसा भी था, अगर आप इन्हें फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, ये मतलब पूरा छोड़ने के लिए तैयार थे। जब आप एक लाइव में आए थे रोते हुए, एक वीडियो डाले हुए थे, बात नहीं करना चाहेंगे, अभी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो बाकी बात सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बिजनेस चलाने के लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। बाकी बात, यहाँ क्या सब मिल सकता है चाय के साथ? चाय के अलावा आपको बहुत कुछ मिलेगा खाने के लिए, और हमारे यहाँ का रोल जितने भी लोग खा रहे हैं बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपको ऐसा रोल कहीं बोरिंग रोड में नहीं मिलेगा। हाँ जी, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? यहाँ आइए, हरिहर चैम्बर है बोरिंग रोड के आगे, चौराहा से आगे, उसके अपोजिट पंडुई प्लेस के बेसमेंट में हमारा दुकान है। दोस्तों बाकी बात, आप लोग आइए और चाय पीजिए, मोमोज खाइए, देखिए कैसा लगता है। डिमसिम जरूर एक बार टेस्ट कीजिएगा कैसा लगता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।